मैं आया ना, हमारे पूरे काउंसलर आए ना, मैं सोहेल खाजी साहब आए, मुजफ्फर साहब आए, साहिल आए, मेरा पूरा आपका जमात पूरी आपके साथ है मजलिस। सदर मोहतरम बोले जाओ, अकबर साहब, अकबर साहब बोले जाओ, हम तो जब बुलाए आ रहे हैं आपके यहाँ से। अभी छोड़ दिए तमाम पंडित वालों को जिसको बुलाए थे, उन्होंने वादा किया है कि ये लोगों को कल से कोई यहाँ पर आकर उनको कोई नहीं सताएगा, कोई पुलिस वाला यहाँ पर नहीं सताएगा, रमजान में हो उनसे अपना धंधा कर सकते हैं। जाओ जाओ काम करो, सबसे काम करो, शुरू से करो, खुश हो जाता। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के चारमीनार पुलिस स्टेशन सीमा में चारमीनार पुलिस द्वारा गरीबों पर हर दिन हो रहा है अत्याचार। इस अत्याचार को देखकर ऐसा लगता है कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नहीं कोई और है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यही कहा हमेशा से कि गरीबों की पहले हम सहायता करेंगे और गरीबों को पहले प्राथमिकता देंगे। इस पुलिस स्टेशन के SHO तो इतने अहंकार में डूबे हैं, ये जमीन पर नहीं आसमान पर चल रहे हैं ऐसा लगता है। ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि ये SHO अपने पुलिस स्टेशन के पास किसी गरीब को ठहरने की अनुमति ही नहीं देते। आज वैसे ही हुआ, ये SHO अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए गरीबों पर अत्याचार किए, सिर्फ अत्याचार ही नहीं किए, उनके सामान को जब्त किए और सभी गरीब रेड़ी पटरी वालों को अपने थाने में बिठा दिए। जबकि सभी रेड़ी पटरी वाले मुसलमान थे, रोजा खोलने के बाद इन्हें तुरंत बिठा दिया गया और इनके फोनों को भी जब्त कर लिया गया। इससे इस SHO की मानसिकता दर्शाती है, गरीबों के प्रति इन्हें कितना जहर है ये दर्शाता है। ये SHO अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। ये SHO तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देशों का पालन भी नहीं करते, ना पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हैं। रमजान के पवित्र महीने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सभी बाजारे होटल्स खुले रखने के लिए पूरी अनुमति प्राप्त की थी, तो ये पहले SHO थे। शुरू रमजान के समय बाजारे होटल्स और रेड़ी पटरी वालों पर अत्याचार किया था। आज भी इस SHO ने रेड़ी पटरी वालों पर अत्याचार किया है। इसकी सूचना प्राप्त होते ही AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली तुरंत ही चारमीनार पुलिस स्टेशन सीमा में प्रवेश किए और इनके साथ AIMIM के नगर सेवक सैयद सोहेल कादरी, मुस्तफा अली मुजफ्फर, नुमाइंदा नगर सेवक साहिल अकबर भी उपस्थित थे। सभी ने चारमीनार के SHO से बात की और कहा कि गरीबों पर अत्याचार किसी भी प्रकार का होगा तो AIMIM पार्टी बर्दाश्त नहीं करेंगी। गरीब हमारे लिए पहले प्राथमिकता है, गरीबों पर हमेशा से ही अत्याचार हो रहा है, इसकी सूचना प्राप्त हो रही है। विधायक जुल्फिकार अली ने कहा गरीबों का जीवन बेहतर हुआ है AIMIM के कारण, गरीबों के जीवन को बर्बाद ना करे, गरीबों पर अत्याचार करने से तुम्हें क्या मिलता है। इन्होंने कहा गरीब रोजेदारों को रोजा खोलते ही तुरंत लाके बिठा दिए, क्या ये आरोपी है, इनके फोन जब्त किए गए। इन्होंने कहा ये सब यहाँ नहीं चलेगा, इस थाने में तुम अब आए, तुम्हारे से पहले अनगिनत SHO आए और चले गए, सभी गरीबों के साथ पूरा सहयोग करते हैं और गरीब भी पुलिस के साथ पूरा सहयोग करते हैं। ट्रैफिक पुलिस चालानात करती है, लेकिन उससे पहले आप सक्रिय हो गए हैं गरीबों पर अत्याचार करने और चालानात करने। विधायक जुल्फिकार अली की उपस्थिति और सभी AIMIM के चारमीनार विधानसभा के नगर सेवकों की उपस्थिति में सभी गरीबों को छोड़ दिया गया और उनके सामानों को भी दे दिया गया। इस समय गरीब रेड़ी पटरी वालों ने वक्तव्य देते हुए भावुक हो गए, कहा कि असदुद्दीन अवैसी नहीं होते तो हम आज थाने से बाहर भी नहीं होते, हम भूख के मारे तड़प रहे थे, रोजा इफ्तार के बाद हमें SHO ने यहाँ पर आरोपियों की तरह बिठा दिया और हमें नहीं छोड़ा, आप आने से हमें छोड़ दिया गया, हम दिल से AIMIM पार्टी का धन्यवाद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।
कौन छोड़ा इसमें मिल्लत की हिदायत के ऊपर मैं यहाँ पर आकर जिन मंडी वालों को पुलिस ने गिरफ्तार करके लाया था यहाँ पर आकर मैंने तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो चार मीनार के कॉर्पोरेटर हैं मतलब सोहेल खादे साहब मुजफ्फर साहब साहिल साहब मैं हम सब मिलकर चार मीनार प्लेस में हम आए और यहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर से हमने बात किया और उनको हमने कहा कि माह रमज़ान में आप ये नाहक के गरीब लोगों को सता रहे हैं आप लोग हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आइंदा इस तरह से आप लोग तमाम ये मंडी वालों को लाकर पकड़कर नाके में रखकर चालान कर रहे हैं ये गलत बात है तमाम की जानिब से यहाँ के जो हॉकर्स हैं मंडी वाले उनको भी मैं कहता हूँ कि आप लोग सुकून से अपना धंधा करिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके साथ है सदर मोहतरम आपके साथ है हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपके साथ है तमाम जमात आपके साथ है आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है आप अपना धंधा सुकून से अपना कारोबार कीजिए आने जाने लोगों को तकलीफ मत दीजिए लोगों के रिश्ते लिए भी रास्ता फराहम कीजिए क्योंकि जितने आपके ख़रीदने वाले जो आते हैं आपके पास आ रहे हैं ख़रीदने के लिए अगर उनको तकलीफ़ होगी तो आपका धंधा भी बराबर नहीं होगा सब लोग सुकून से धंधा कीजिए बगैर आपस में लड़े आप धंधा कीजिए यही कह रहे थे कि आपस में लड़ रहे हैं तो मैं यही कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मत कीजिए आप सुकून से धंधा करिए कोई आपको सताएगा नहीं कोई आपको आकर उठाकर कोई यहाँ से नहीं ले जाएगा।